आपको मुक्त परेशान लो प्रेशर दिख रहा है आपको गाइस, थोड़ा सा कॉफी पी ले यार वो जरूरी है। छोटे छोटे बैग है पहाड़, जैसे लाइट कैसे आ रही है पहाड़ों के पीछे से, कितना गजब का व्यू आ रहा है। मेरा परौंठा नहीं था, मैंने वापस रख दिया लच्छा परौंठा। नया वाला हाईवे है कोटपुतली से जाता जो अम्बाला की तरफ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग सब, होप करता हूँ अच्छे हो, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हो। सो गाइस, हम लोग आज सीधा मिल रहे हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। फटाफट से आपको दिखाते हैं कि हम आज ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं, और फटाफट से काफ़ी सारे काम है वो करेंगे क्योंकि आज निकलना भी है और डेट भी है। फटाफट से अपना एक काम भी करेंगे, एक मीटिंग भी है ज़रूरी, वो करके फिर निकलेंगे आगे, और आपको दिखाते हैं आज की जर्नी। तो गाइस, ये ले लिया हमने भाजी सांभर पूड़ी, अभी आ रही है, और ये केचप और मसाला इडली उत्पम वमसली, ओ माय गॉड भाई, तो मस्त मस्त फूड है। तो बचाव हो गया, कोई नहीं, छोले भटूरे की जगह पूड़ी आलू मिल गया, काम चल जाएगा, चला लेंगे, कोई नहीं, काम चला लेंगे। सो गाइस, आ गए हैं हम वापस अपने रूम में, और अब फटाफट से करेंगे एक बार एडिटिंग, कुछ थोड़ा सा रह गया था करना, और वो करके फटाफट से इसको अपलोड करके चलेंगे अपने काम। तो गाइस, हम निकल रहे हैं अब होटल से। हेलो मैडम, टू बाय बाय टू आवर होटल। तंबाकू मुक्त परिसर पर हम नहीं करते। सो गाइस, ये देखो, ये है हमारी आज की लुक, और अब हम जा रहे हैं कहाँ। माय माय हो गया, माय एंड यू हो गया, हो आर नहीं रहा। चलो चलो। सो गाइस, अब निकल रहे हैं, और सही मौसम है, धूप नहीं है तो सही है यार, ऐसा ही मौसम रहे मजा सा आ जाएगा। तो अब निकल रहे हैं इधर अपनी प्रॉपर्टी से, मतलब जाम रुके हुए थे। ओ सो गाइस, अब करते हैं फाइनली प्रॉपर्टी को बाय बाय। ये थी प्रॉपर्टी अपनी, बाहर से वैसे हमने दिखाया नहीं, और सामने मौसम देखो। ओहो, क्या हुआ, क्यों बजे आप, लो प्रेशर भाई, इज वेरी गुड। अभी कराते हैं इसको भी फुल। देखो भाई, ये देखो, अरे वाह भाई, आगे नहीं आगे नहीं। ये पृथ्वीराज चौहान जी का स्टैचू जो पीछे से है, अभी आर्किटेक्चर कितना लाजवाब है अपना राजस्थान का, कहीं पे भी देख लो राजस्थान में आर्किटेक्चर इतना लाजवाब है। ये देखो मूर्ति, ये देखो गाइस कैसे गेट बना रखे हैं, कितना गजब का है आर्किटेक्चर। ये देख रहे हो कितना गजब लग रहा है, कितना गजब लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ सामने एक फोर्ट है। ये देखो गाइस, ये देखो ऊपर फोर्ट दिख रहा है आपको गाइस, है ना गजब का। काम कर लिया और बारिश भी शुरू हो गई और मौसम भी मस्त हो गया, और लेकिन टाइम बहुत हो गया, 4:40। चलो कोई बात नहीं, बापू बाजार आपका स्वागत करता है। अच्छा जी, ठीक है जी, कर लो जी स्वागत, कोई बात नहीं। गाइस, हम लोग गलत जा रहे थे उस साइड पे, मतलब गलत नहीं जा रहे थे, जहाँ सही रहे थे, बट यार टाइम ऐसा है, कुछ खा पी भी तो लेना है यार, क्योंकि हम काम में इतना बिजी हो गए थे, मीटिंग में इतना बिजी हो गए थे। ऑल्दो खा लिया हमने, स्नैक्स वनैक्स तो काफ़ी सारे खाए, लेकिन बट ये है कि थोड़ा सा कॉफ़ी पी लें यार, वो ज़रूरी है। तो वापस से जा रहे हैं हम उस रोड पे, एक बार कोई लोकेशन देखते हैं बढ़िया सी कॉफ़ी की, और फिर चलेंगे वापसी की, और फिर वापसी में देखेंगे कुछ होगा तो। सो गाइस, ये द मोमोज हब से ले ली है हमने कॉफ़ी, मतलब ऑर्डर कर दी है कॉफ़ी, कैपेचिनो और मोमोज, अभी आते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे हैं। गाइस, यहाँ कर देते हैं फटाफट से व्लॉग अपलोड, और इतने हमारा ये आ ही रहा खाने का भी, फटाफट करके फिर निकलेंगे आगे। भाई, भैया ने हमें खिलाया बहुत सही, मोमोज किंग से लाके, और हमने भैया को पकड़ के अब चैनल सब्सक्राइब भी करा दिया है। भैया चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो ना? यस सर। आप वीडियो पे आओगे अब। ये भैया ने मोमोज खिलाए और हमने अपने कप में डलवा ली कॉफी,
ये है मोमोज हब। चलो गाइस अब हम एंजॉय करते हैं अपनी मील। तो गाइस कॉफी को भी पी के अपना खा पी के सब निकल गए हैं और आपको सामने पहाड़ दिख रहे होंगे। अब थोड़ा मौसम ठीक हुआ है, बारिश हुई है तो ये पहाड़ दिखने लगे, नहीं तो दिन में तो ये बिल्कुल फॉगी फॉगी से दिख रहे थे। तो चलो गाइस चल रहे हैं और डेस्टिनेशन अभी हमने रास्ते का एक डाला है विच इज 2 hours 1 minute, वहाँ से हम डाइवर्ट करेंगे। तो चलो गाइस चलते हैं, इससे ज़्यादा लेट हुए तो ट्रैफिक शुरू हो जाएगा क्योंकि मौसम ख़राब है। तो टनल भी है जयपुर में, ओह छोटी सी टनल तो नहीं कह सकते, मतलब अंडर पास है बेसिकली जयपुर का ये, और इससे निकलते ही सीधा आ जाएगा, सीधा सामने आ जाएंगे पहाड़, गजब गजब पहाड़, राजस्थान के पहाड़ आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए लाजवाब पहाड़। देखना ये पहाड़ ऐसा नहीं लग रहा जैसे बह गया है, आधा निकल गए, सही में ऐसा लग रहा है छोटे छोटे बह गए पहाड़, या फिर गवर्नमेंट ने तोड़े होंगे क्योंकि ये तो वो होते हैं ना रॉक वाले पहाड़ है ना राजस्थान में। तो सो गाइस निकल लिए हैं हम फाइनली सिटी से बाहर और अंधेरा भी हो गया है, लाइटें भी जल गई हैं और पहाड़ भी चमक रहे हैं क्योंकि मौसम थोड़ा सा क्लियर हो गया है पहले से ज़्यादा। अब गाइस अब आपको दिखाते हैं रास्ते की जर्नी, लाइट कम होने के बाद तो कुछ दिखाने लायक होगा नहीं, बाकी देखते हैं धीरे धीरे जो भी आएगा अच्छा अच्छा दिखाएंगे आपको। RS पुलिस स्टेशन पे और यहाँ पे एक हमें सही बेनिफिट हो गया, एक बार वाईफाई की जरूरत थी, वाईफाई मिल गया, उन्होंने हेल्प कर दी और व्लॉग कर दिया अपलोड, क्योंकि आप लोगों को टाइम से व्लॉग भी तो दिखाना ना, इसीलिए तो यहीं रुके थे और इन्होंने हेल्प भी कर दी, बहुत सही है भाई। RS पुलिस स्टेशन कभी भी यहाँ से आओ आप, भरवाओ तेल। चलो गाइस जवाब लग रहा है, हल्की हल्की बूंदा पानी भी आ रही है, बहुत सही लग रहा है। तो गाइस पे कैसा दिख रहा है पीछे, पीछे शायद वो रैफल्स यूनिवर्सिटी है, वो है जो जिसकी लाइट चमक रही है, या फिर एमिटी है जिसकी लाइट इतनी ज़्यादा चमक रही है पीछे, दिखाते हैं आपको, देखो पीछे कितना वाइट है। तो गाइस एमिटी यूनिवर्सिटी, देखो गाइस ये डेंटल, मतलब ये वो है मेडिकल कॉलेज है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसी की वजह से इतनी लाइट शाइन कर रही थी जो दिख रही थी पहाड़ों से हमें। डॉक्टर PS तोमर सिटी इज लेफ्ट, ये है NIMS यूनिवर्सिटी, ये देखो बाईस पास से NIMS यूनिवर्सिटी, और ये देखो फ्लैग कैसे वेव कर रहे हैं कितने लाजवाब तरीके से, गजब के लग रहे हैं। आ गया है होटल हाईवे किंग और शीशा गंदा हो रखा है बारिश की वजह से, तो अब यहाँ रुकते हैं, बाकी आपको गाड़ी से उतर के मिलते हैं आप। गाइस ये आ गया हाईवे किंग की थाली और रोटी और परौंठा, परौंठे पे भी वो लगा लाए, ये है परौंठा और बटर नहीं लाया, मेरा परौंठा नहीं था मैंने वापस कर दिया, लच्छा परौंठा थाली वाला था मेरा, तो भी आएगा मिक्स परौंठा। गाइस ये आ गया अपना मिक्स परौंठा और अब खाएंगे साथ में थाली। सो गाइस खाना खुना खा के और हम निकल लिए हैं, मीठा भी खा के, मीठा हमने दिखाया नहीं लेकिन हमने बास्किन रॉबिन से खाई है एक आइसक्रीम नहीं केक स्लाइस यस। तो अब खा ली है और अब हम निकल रहे हैं वापस से हाईवे की ओर, चढ़ेंगे दोबारा से हाईवे पे। के मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये। सो गाइस हम ये वही वाले हाईवे पे हैं जो नया वाला हाईवे है कोटपुतली से जाता जो अंबाला की तरफ, तो उसी पे जा रहे हैं हम लोग जब लास्ट ट्रिप पे गए थे उदयपुर उससे भी वापस आए थे, तब भी जयपुर से इसी रूट से आए थे वापस,
और इस बार भी जब हम जयपुर गए तब भी इस रूट से गए थे और आए तब भी इस रूट से गए थे, तो बहुत सही रूट है यार, मतलब अपने को तो बढ़िया लगा और टाइम भी बचता थोड़ा सा रोहतक से आने के लिए। बट ये कि कलनौर या फिर महम, आप जिसको रोहतक से आना है उसको या तो कलनौर उतरना पड़ेगा या महम आके, जैसे कंफर्टेबल है मतलब इसके लिए, जिसके लिए भी। हम लोग जैसे कलनौर से उतरेंगे तो जिसके लिए अगर महम कंफर्टेबल है तो वो भी जा सकता है। और गाइस इससे ना अम्बाला भी जाया जा सकता है, मतलब अगर आप रोहतक से अम्बाला जाना चाहते हो तो ये स्ट्रेट जो है ये अम्बाला तक जा रहा है। तो मैंने भी वो ट्राई तो नहीं किया बट कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रोड है, बहुत अच्छा बना हुआ है, वो भी बहुत सही बना हुआ है, तो वो भी ट्राई कर सकता है भाई कोई जो जा रहा है तो नीचे कमेंट करके बता देना, जो अगर कभी जिसने ट्रेवल किया है उस रोड पे अम्बाला तक तो कैसा है रोड वो भी बता देना। और अगर किसी भाई को कुछ भी इस रूट के बारे में पूछना हो तो प्लीज़ कोई बात नहीं, कॉन्टैक्ट कर सकता है। और गूगल मैप्स पे भी अपलोड हो चुका है ये मैप पूरा प्रॉपरली, तो आप उस पे भी चेक कर सकते हो। तो गाइस अब हम जा रहे हैं और अब हम उतरेंगे कलानौर वाली साइड से, बेसिकली कोटपुतली से समहाउ अराउंड अगर आप जाते हो तो 3 घंटे के करीब लगता है कलानौर पहुँचने में, 3-3.25 घंटे तक। बाकी यहाँ स्पीड भी है, स्पीड भी 100 तक यहाँ अलाउड है, तो एक इस चीज़ का भी बेनिफिट हो जाता है। और बाकी तो सही है, 6 लेन हाईवे है, 3 लेन इस साइड है, 3 लेन उस साइड है। और बाकी क्या है कि इस वाले जो रूट पे हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ना एक स्टॉपेज भी बन रहा है जिसपे पेट्रोल पंप्स भी होंगे और शायद आने वाले टाइम में चार्जिंग स्टेशंस भी हो ईवी के लिए, और उसमें मेडिकल सर्विसेज के लिए ट्रॉमा सेंटर्स भी बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही है नीचे, मतलब स्टॉप के लिए पिट शॉप भी होगी नीचे, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी, बहुत सारी इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो सब अवेलेबल होंगी वहाँ पे जितने भी स्टॉपेजेस हैं। तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है इसका हाईवे का, अभी नहीं हुई हर जगह चालू बट धीरे धीरे हो जाएगा, बाकी देखते हैं कब तक होता है। और बहुत सही है हाईवे, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। गाइस ये है एग्जिट नंबर 3 भिवानी कलनौर, हम इससे निकल रहे हैं और आप लोगों को जो नियरेस्ट लगे, हमें तो रोहतक अपना घर जाने के लिए नियरेस्ट यही लगता है, अगर किसी को लगे तो आगे फिर मेरे ख्याल में अम्बाला भी आता है, उससे भी जा सकता है। ये था कलनौर वाला टॉल जिसको हमने कर लिया है क्रॉस, और अब हम चलेंगे कलनौर से वापस रोहतक की ओर। यहाँ से लेफ्ट इज भिवानी, हम रॉन्ग जा रहे हैं, राउंड अबाउट से घुमा के ये अब राइट जा रहा है नारनौल, मतलब वापस हाईवे के ऊपर चढ़ जाएगा और स्ट्रेट इज कलनौर, और हम लोग जाएंगे कलनौर से रोहतक। अब इस टाइम तो रश नहीं मिलेगा तो हम कलनौर अंदर से ले लेंगे, नहीं तो कलनौर बाईपास से जा सकते हैं कलनौर बाईपास से। तो गाइस ये आ गए हम कलनौर सिटी के अंदर से, और बाईपास में भी जा सकते थे लेकिन अब अंदर इस टाइम कोई रश नहीं होगा इसलिए हमने अंदर से ले लिया, खाली है इस टाइम अंदर तो, क्योंकि टाइम हो चुका है 12:15 तो इस टाइम तो क्या ही रश मिलना है। चलो गाइस चल रहे हैं अब हम रोहतक की ओर, शीशा गंदा हो रखा है क्योंकि यार ये मच्छर आगे से आते हैं ना, अब बार बार तो वाइपर से साफ किया नहीं जाता, तो कोई बात नहीं चलते हैं सुबह करेंगे इसको क्लीन। सो गाइस एक बार पहुंच गए हैं ऑफिस, एक बार मुझे कुछ सामान उठाना था यहाँ से तो वो उठा रहे हैं, और सोचा फिर ये गाड़ी भी उठा लेते हैं क्योंकि मेरा कल का एक प्लान है डिफरेंट, तो ये गाड़ी भी उठा लेते हैं। टाइम हो गया है 12:49। तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए हैं घर पर और व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और जर्नी को भी ख़त्म करते हैं यहीं पर ही क्योंकि हम घर पहुंच गए हैं और जर्नी ख़त्म हो गई है। सो गाइज़ अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लेकिन बेल नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलना और उसमें क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर देना। ओके गाइज़ गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।